दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि अनानास को खाने के साथ साथ इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करके भी आप अच्छी आमदनी ले सकते हैं तो आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन बात 100% सही है। आमदनी कैसे होगी ये बताऊं, उससे पहले चलिए कुछ अहम बातें बताती हूं अनानास से जुड़ी। हमारे देश में अनानास करीब करीब पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ साथ पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, बिहार, गोवा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है और दुनिया भर में भारत के अलावा थाईलैंड, कोस्टा रिका, फिलीपींस, ब्राजील और चीन जैसे देशों में भी इसकी खेती अच्छी खासी होती है। एपिडा के मुताबिक हमारे देश में अनानास की खेती 9000 हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है और कुल उत्पादन है 14 लाख टन के आसपास। वहीं पूरे विश्व में अनानास की खेती के रकबे और उत्पादन की बात करें तो दुनिया भर में 9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से करीब 2 करोड़ टन अनानास का उत्पादन होता है। लेकिन ये सिर्फ अनानास फल उत्पादन की बात है, पत्तियों की तरफ तो किसी की नजर ही नहीं जाती। विश्व स्तर पर सालाना 40,000 टन अनानास के पत्ते निकलते हैं, जिन्हें या तो सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है या फिर दूसरे फसल अवशेषों की तरह इन्हें भी जला दिया जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से इन बेकार पत्तियों से एक कारगर फैब्रिक या रेशों से फैब्रिक बनाया जा रहा है, जो ऐसा वैसा फैब्रिक नहीं बल्कि चमड़े का एक बेहतर विकल्प बनकर उभरा है। ये एक नॉन वोवन फैब्रिक है और इस फैब्रिक का नाम है पिनाटेक्स। अनानास के पौधों से फल की उपज लेने के बाद जो बेकार पत्ते बचते हैं उनसे बनता है ये पिनाटेक्स। अनानास की बेकार पत्तियों से ये कारगर उत्पाद बनाने का श्रेय जाता है स्पेन की रहने वाली एक महिला कारमेन हिजोसा को, जिन्होंने 8 बरस इसे बनाने के लिए कड़ी मेहनत की और आखिरकार इस उत्पाद के रूप में कामयाबी पाई। अनानास उत्पादन के मामले में फिलीपींस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसी को देखते हुए कारमेन हिजोसा ने साल 2013 में अनानास अनाम नाम से फिलीपींस में अपनी एक कंपनी की स्थापना की, जहां वो अनानास किसानों के साथ काम करती हैं, जो फाइबर को काटने और छीलने का काम करते हैं और फिर पिनाटेक्स उत्पाद को तैयार किया जाता है। साल 2015 में इस उत्पाद के कमर्शियल लॉन्च के बाद करीब 500 निर्माताओं ने इसका इस्तेमाल शुरू किया। इस उत्पाद से जूते, कपड़े, फैशन के सामान जैसे पर्स, वॉश बैंड, वॉलेट, इंटीरियर फर्नीचर और कार के सीट कवर और बाइक स्टाइल जैकेट भी बनाए जा सकते हैं। छोटे पैमाने के करीब करीब सभी ब्रांड इससे उत्पाद बना भी रहे हैं। पिनाटेक्स को चमड़े के स्थायी विकल्प के तौर पर इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि ये गीला होने पर चमड़े की तरह ही सूख जाता है। ये चमड़े के माफे काफी टिकाऊ भी है और चमड़े से काफी सस्ता भी। कपड़े के रूप में इसकी सिलाई, रंगाई और छपाई सब करना काफी आसान है। इतना ही नहीं, ये इको फ्रेंडली या कहें पर्यावरण अनुकूल भी है क्योंकि ये पत्तियों से तैयार होता है। पिनाटेक्स से बने प्रोडक्ट खराब होने पर इनसे उर्वरक भी तैयार किया जा सकता है और इससे पर्यावरण पर भी कोई बुरा असर नहीं पड़ता। ऐसे में अनानास की खेती करने वाले किसान इस नए व्यवसाय से बेकार माल से भी अतिरिक्त आय ले सकते हैं, क्योंकि भारत में भी पिनाटेक्स उत्पाद बनने का काम शुरू हो चुका है। आशा है कि आने वाले समय में बड़े पैमाने पर ये व्यवसाय अनानास किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा, जब फल के साथ साथ अनानास की पत्तियों से भी उन्हें अतिरिक्त आमदनी मिल सकेगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। कृषि और किसान सशक्तिकरण की इस मुहिम को सफल बनाने में आप भी ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं।